गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की सुबह में आपका स्वागत करता हूँ मैं सुहेल आदमी ब्लॉग्स की तरफ से। दरअसल मैं मेरी आँख कैसे खुली है मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। और अचानक से ऐसा लगा मतलब मेरे सीने पे कोई चढ़ गया, कम से कम 20-25 किलो का इंसान। तो मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। प्लीज़ लाइन पर रहिए आप। तो गाइस ये हैं वो दोनों शैतान। मैं यहाँ लेटा हुआ था, सो रहा था, ये आए खेलते खेलते लड़ते लड़ते और दोनों मेरे ऊपर चढ़ गए और मुझे मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरी हालत ख़राब ही हो गई है मान लो। तो गाइस बुन्नी ने और मैगी ने उठा तो दिया है। अब मेरा मेरी अगली चाल ये रहेगी जाके ब्रश करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा। तो दोस्तों नाश्ता मैंने कर लिया है और मैं लगभग रेडी भी हो गया हूँ। और मैंने अपनी आज हाफ शर्ट निकाली है, हाफ शर्ट पहनी है मैंने। हालांकि मेरे थोड़ा रिस्क लग रहा था कि हाफ पैंट पहनूँगा, हाफ शर्ट पहनूंगा तो बाहर धूप वगैरह में दिक्कत होगी, पर दिक्कत होगी तो देखी जाएगी। सो दोस्तों ये हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड और ऊपर से बच्चे सी ऑफ कर रहे हैं। मैगी बुन्नी मैं निकल रहा हूँ तो ये लोग सी ऑफ भी करते हैं ऊपर से, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। टाटा करते हैं ये लोग भी हमें। सो हे गाइस आ चुके हैं अपने ऑफिस में। आज एक्चुअली ज़्यादा लोगों से नहीं मिलवा पाऊँगा आपको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, सब लोग बिजी हैं। मैं भी इवन बिजी था और आपको सच बताऊँ तो अभी 2:05 हो रहे हैं, लंच भी मैंने कर लिया है और मैं भूल गया था बिल्कुल कि एक बार आपको लंच वगैरह दिखा दूँ। बट कोई बात नहीं है, अब आगे जो एक्टिविटी होगी वो दिखाई जाएगी आपको। फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ एक ऐसी जगह पर जो रूम अलाउट किया गया है, यहाँ पे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए। तो एक बार वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा और फिर चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। बाय बाय। तो यहाँ लगा हुआ एक पेड़ बेहतरीन ऑक्सीजन के लिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ कुछ सोफे लगे हुए हैं, वहाँ भी एक पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पीने के लिए पानी और यहाँ मेरी बॉटल। तो कुछ इस तरीके का रूम है, यहाँ पर चल रहा है AC। तो मिलते हैं गाइस, ये देख लिया होगा आपने कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। सो गाइस खाना वाना खाने के बाद अभी मैं और नीरज आ गए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि पेट भरा भरा सा लगता है, थोड़ा बहुत टहल ले तो मतलब सुकून सा लगता है, ऐसा लगता है खाना बैठ गया नीचे को। और जहाँ पर हम आए बेसिकली ये हमारी पार्किंग है, एक तरफ कार खड़ी होती है एक तरफ बाइक्स होती हैं। थोड़ा सा पार्किंग भी एक बार दिखा देता हूँ, देख ही सकते हैं वैसे तो, आप दिख ही रहा होगा आपको पीछे सारा हिसाब किताब। यहाँ थोड़ी लाइट वगैरह रोशनी है, बाकी रोशनी वगैरह चारों तरफ ही है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होने की स्पेस है यहाँ पर। सो एक गाइस ऑफिस से अब ये बज रहे हैं, ऑफिस में बज रहे हैं 7:50। अभी मैं और अमर बैठे हुए हैं, अमर भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली अमर के पास भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा था, मेरे पास भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा था, तो हम दोनों ने अपना काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा चीज़ें मैं आज नहीं दिखा पाया गाइस ऑफिस की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारा काम था, सभी लोग बिजी थे तो ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, और फिर ज़बरदस्ती में अभी क्या करता। तो खाना वगैरह भी हमने बहुत जल्दबाजी में खाया था तो वो भी आज नहीं दिखा पाया मैं। सो गाइस सबके जाने के बाद ऑफिस कुछ इस तरीके का लगता है, अमर रह गया बस, खाली मैं रह गया हूँ। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, बहुत बड़ा ऑफिस है हमारा। दरअसल ऑफिस तो काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी फिलहाल हम लोग छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं। यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, कभी कभी अगर AC बंद होता है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बाकी हेलमेट रखा है अमर का और बाहर का नज़ारा जो है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा। रिफ्लेक्शन के थ्रू वापस मेरी ही तस्वीर नज़र आ रही है। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम घर की तरफ, यहाँ हो चुका है पूरी तरीके से अंधेरा, सारी लाइटें आज ऑन हो चुकी हैं। क्या चाहते हो एक बार लाइटें दिखा दूँ इस वाले रोड पे कैसा मामला है? चलो दिखाई देता हूँ, इतना जिद कर रहे हो तो। तो गाइस ये है हमारी बाइक का डैशबोर्ड जो कि अगेन सड़ा हुआ है, गंदा है, इसे धुलवा लूँगा यार। अभी ऑफिस से एक्चुअली छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो संडे को ऑफ होगा तो या तो धुलवा लूँगा या तो खुद जाके धो लूँगा, पानी वानी से अपना इंतज़ाम कर दूँगा बढ़िया से। तो ये कुछ मंजर है यहाँ का, ऐसे लाइट वगैरह ऑन है। यहाँ पे बुर्ज खलीफा जैसी एक बिल्डिंग मतलब खड़ी हुई है, सुपरनोवा के नाम से, काफ़ी ऊंची बिल्डिंगों में से एक है, काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, फिर देख लो क्योंकि यही है दिखाने के लिए रास्ता है। सो दोस्तों ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में ये टकरा गया, ये एक कालू है, ये भी हमारे एक बेहतरीन दोस्तों में से एक है, बहुत दिनों के बाद दिखाया जी। अचानक से इसने मेरी आवाज़ सुनी थी और ये आ गया, नहीं बेटे नहीं तू गंदा हो रहा है, अभी नहीं बिस्किट खानी है, बिस्किट खानी, नो नो नो, अबे सड़ रहा है तू, सड़ मेरे कपड़े सड़ाएगा क्या बिल्कुल। तो इसे थोड़ी देर इसे बिस्किट वगैरह खिला देते हैं, देन मिलते हैं घर। तो दोस्तों एक घर में घर वालों को खुश रखने की एक टेक्निक बताऊंगा, अगर रखना हो घर वालों को खुश तो अपने झूठे बर्तन जिसमें आप खाना वाना खाते हो खुद ही उठा के रखें। तो गाइस टी शर्ट पहन लिया मैंने, अभी वक्त हो चला है 9:08, देख सकते हैं आप। और अभी फिलहाल मेरा इरादा बना है जाने का घर पे, थोड़ा मम्मी से मुलाकात करेंगे, पापा से मुलाकात करेंगे, बच्चों से अनस वगैरह से मुलाकात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर इस लड़की की एक कलाकारी है, यहाँ पे फ्रिज रखा है, फ्रिज के नीचे फ्रिज के कवर के नीचे अक्सर ये पैसे रखती है कुछ ना कुछ, 100, 200, 300 रुपये। तो क्या ऐसी हैबिट आपके घर वालों में भी है, आपके घर वाले भी इस तरीके की हरकत करते हैं?
ये देखो दूसरे फ्रिज के नीचे भी इन्होंने पैसे रख रखे हैं, थोड़े बहुत दवाई भी है, पैसे भी हैं, कुछ ना कुछ कार्ड वगैरह। तो क्या कहते हैं आप लोगों के यहाँ पे भी होता है क्या ऐसा? अक्सर मैंने तो देखा है बहुत से लोगों के यहाँ पर होता है। चक्कू से मारोगी क्या हमारे? तो जैसे कि हम उठ के आए तो ये लोग भी उठ के आ गए, क्या मज़ा आता है भैया। तो दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर अब, और यहाँ पर अनस मौजूद है। अनस को आप जानते ही हैं पहले से ही। क्या हाल है अनस के? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठा वाली। तो कैसा चल रहा है आजकल मामला? माइनक्राफ्ट देख रहा है? नहीं देख रहा कि ये माइंड खेलते भी हो? हाँ। किसमें? में। तो इस वाले छोटे वाले बालक का नाम है अलवीना। अभी ये गेम खेल रही थी, अचानक से इनके जो पापा हैं वो फ़ोन लेके बाहर निकल गए। कह रहे लाओ मेरे को फ़ोन दो, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो वो चले गए बाहर अपने फ़ोन लेकर के। तो ये मेरे पास आके बैठ गई है, इससे पहले आने का नाम ही नहीं दे रही थी, फ़ोन में अड़ी हुई थी। पेट दिख रहा है मेरा, ऐसे हो जाते हैं। तो अब ठीक है, अब उतना पेट नहीं दिख रहा। देखो एक कहावत कही गई है, जिसका पेट वही है सेठ। कोई सी पोयम आती है आपको? आलू का चालू आती है? सुना दे आलू का चालू। मछली जल की रानी आती है? सुनाओ। आ तुम लोग यहाँ बैठो, सुनाओ मछली। हाँ तेज से, थोड़ा तेज तेज से। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी, घर में डालो तो पक जाएगी। अबे तुम लोगों ने एडिट कर दिया क्या? क्या मछली जल की रानी का इन्होंने एक और नया वर्जन निकाल दिया है। वाह ये तो मैं पहली बार सुना मैंने। तो कुछ इस तरीके का बताया इन्होंने कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, कुकर में डालो पक जाएगी। अबे पका भी डाला, ये कहाँ पे सीखा? ये भी उन्होंने यूट्यूब पे सीखा। लो कुछ और सीखते हैं, देखें और क्या इनके पास है हमारे लिए। तो और क्या आता है तुमको? आता है कुछ अलवीना बेटा? कुछ तो आता होगा बाबू को। चल तुम तो सुना, तू क्या आता है? क्या आता बाबू को? आलू का चालू सुना दो। तो तेज से, तेज से, आवाज तेज से। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी प्यार करा हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे, दादी बॉल भी खेल रहे थे। बस तो छोटे छोटे बालकों ने तो कुछ ना कुछ सुना दिया है। अब देखते हैं अनस हो क्या आता है। अनु आ जाओ बेटा, यहाँ नीचे आ जाओ, आ जाओ। आपको कौन सी कविता आती है, पोयम आती है, क्या आता है आपको? मुझे दो ही आती थी, इन दोनों सुनाते थे आलू का चालू मुझे। बस कुछ और आता ही नहीं है? नहीं आता। चल तो आलू का चालू सुना दे। आलू का चालू बेटा कहाँ? तेल थोड़ी तेज आवाज में। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की झोपड़ी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, बंदर ने हो मम्मी ने प्यार करा हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। अरे वाह, यहाँ पे आज होने वाली बहुत सारी मस्ती लोगों के साथ। देखते हैं इन लोगों को और क्या क्या आता है। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो ये जो अलवीना है ये आ जाती है पास में। हालांकि कुछ ज्यादा बोलती चलती नहीं है, लेकिन फिर भी सामने आके बैठ जाती है। पता नहीं क्या मजा आता है इसको। तो गाइस जैसा कि आपको बताइए टाइम हो रहा है 9:35। तो जाहिर है कि खाने का टाइम हो रहा होगा। दस्तरखान यहाँ पे लगा दिया गया है। अनस थोड़ी मेहनत कर रहा है, बाकी ये दोनों बच्चे बैठ के देख रहे हैं। पता नहीं क्या कूलर रखा हुआ है हमने यहाँ पे, लेकिन कूलर भी चलाया नहीं, क्योंकि अगर हमने कूलर चला दिया तो फिर आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, और हम चाहते हैं कि आपको आवाज़ आए। क्या हाल चाल है मेरे गोलू के? ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो नज़र आपकी जा रही होगी सिलेंडर पे। तो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर टोकरी रखी है, टोकरी में सब्जी वगैरह रख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे, कोई मन करा कुछ बैठे बैठे कुछ खाने का, फटाफट सब्जी निकाली, टमाटर निकाली, खा लिया भाई। तो गाइस यहाँ पे देख लो, सीख सकते हैं हम एक छोटे से बच्चे से भी कि जब खाना लगने का समय होता है तो वो भी आ जाती है यहाँ पे अपना सामान वगैरह उठाने के लिए। मम्मी की हेल्प कर रही है काफ़ी। अभी इतनी सारी प्लेटें लेके आई है, 4-5 प्लेटें। मुझे लग रहा था डर कि कहीं यह गिरा ना दे, लेकिन इसे गिराई नहीं है, बिल्कुल सेफ तरीके से इसने यहाँ पे ला के रखी। तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते हमारे पास यहाँ पे चाय अवेलेबल हो गई है। जब मैं खाना खा रहा था तो मम्मी ने चाय को ढक के रख दिया था, तो मैंने अब यहाँ से उठा रहता हूँ चाय, और चाय दरअसल पी जा रही है। एक बार नाश्ता खाते हैं और फिर देखते हैं अगली चाल क्या होगी।